स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर आते हैं कि जो हमने पहले थ्योरी देखी थी कि ऑलमोस्ट एफएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिकतम करना है, तो इस सिद्धांत की क्या आलोचना है, देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। तो सबसे पहली इसकी आलोचना, तो इस टॉपिक में मैं आपको लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत की आलोचना बताऊंगी, और उसके बाद जो सेकंड मैं आपकी जो थ्योरी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपत्ति संपदा को अधिकतमीकरण का सिद्धांत, तो वो सिद्धांत मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो रियल में लाभ को अधिकतमकरण का जो उद्देश्य था वो हम पहले पढ़ चुके थे। अब है इसकी क्रिटिसाइज की अस्पष्ट धारणा कि ये थ्योरी ये क्लियर नहीं बताती कि रियल में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो प्रॉफिट कौन सा मैक्सिम होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट या आपका नेट प्रॉफिट, की सकल लाभ अधिक होना चाहिए, शुद्ध लाभ अधिक होना चाहिए पहली बार, उसके बाद ईबीआईटी और ईएटी, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, वो भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किस प्रकार के लाभों को अधिकतम करें। उसके बाद दीर्घकालीन लाभों पर ध्यान दिया गया है या अल्पकालीन लाभों पर, वो भी इस सिद्धांत ने अच्छे से इसमें नहीं किया है। तो इसको पहला जो इसको क्रिटिसाइज किया गया है वो ये है कि ये धारणा एकदम एक स्पष्ट धारणा है और इसमें जो है क्लियर ये नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के लाभों को अधिकतम करना एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड होता है मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा, कि जो मनी की टाइम वैल्यू होती है उसको इसने इग्नोर कर दिया है। समय मूल्य का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम हमें जो मनी प्राप्त होगी या लाभ प्राप्त होंगे उसकी रिसेंट टाइम में उसकी रियल में वैल्यू क्या है। तो विभिन्न समय पर जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं उन लाभ प्राप्त राशि में इसने अंतर नहीं किया गया, इसने सेम ही मान लिया कि आज मुझे 5000 लाभ हो रहे हैं, कल भी मुझे 5 हो रहे हैं, परसों भी मुझे 5 हो रहे हैं, इट मीन्स दीज आर इक्वल, ये सब लाभ समान है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इन सब में डिफरेंस आ जाता है, आज के 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के 5 थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, परसों के 5 जो है वो और भी ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होगी उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा। तो सबसे फर्स्ट इसने इस थ्योरी को, इसने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, मुद्रा के समय मूल्य की जो है इसने उपेक्षा कर दी, इसने समय मूल्य को निकालने की कोशिश ही नहीं की और केवल मात्र यही बता दिया कि लाभ अगर बढ़ते जा रहे हैं या लाभ हो रहे हैं इट मीन्स एफएम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। सेकंड है भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कर्ष तत्व की उपेक्षा, भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कर्ष तत्व की उपेक्षा, इट मीन्स जो प्रॉफिट हमें फ्यूचर में प्राप्त होने चाहिए उसमें हमने क्वालिटी को मेंटेन करके रख रखा है या नहीं, इसको ये इग्नोर करें। इन फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है, आप किस क्वालिटेटिव प्रॉफिट की बात कर रहे हो या क्वांटिटेटिव प्रॉफिट की बात कर रहे हो, ये भी ये थ्योरी नहीं बताती है, केवल मात्र क्वांटिटेटिव प्रॉफिट पर जो है वो इसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इसने उस तत्व की भी उपेक्षा की है कि जैसे सपोज कीजिए कि प्रॉफिट में सर्टेनिटी हो, 5000 5000 5000, ये सर्टेनिटी हो बट लाभ कम हो, प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दूसरा है कि अनसर्टेनिटी हो, इट मीन्स 3000 10000 8000 4000 भी हो सकते हैं, या तो ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। तो पहला जो है वो क्या कह रहा है, निश्चितता है पर कम लाभ है, दूसरे में अनसर्टेनिटी है बट मैक्सिमम लाभ है। तो ये जो थ्योरी है इसको इग्नोर कर रही है और इस पर इसकी कंसंट्रेशन है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, कहाँ लाभ अधिक हो रहे हैं, तो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आता है, ये तो हो गया इसको क्रिटिसाइज करना, तो इसकी 3 क्रिटिसाइज थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को, हमने 3 तरह आलोचित किया। पहला अस्पष्ट धारणा है, क्लियर नहीं बता रही कि किस प्रकार के लाभ को अधिक करना चाहिए। दूसरा, मनी की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको इग्नोर कर रही है। मुद्रा के समय मूल्य तत्व की उपेक्षा कर रही है कि इन फ्यूचर जो आपको मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको इग्नोर कर रही है। और तीसरा, ये जो है एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर जो है अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर करके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर कर रही है, तो ये भी गलत है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो थ्योरी। सेकंड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि एफएम का जो सेकंड जो होता है ऑब्जेक्टिव इट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, कि किसी भी फर्म में फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट पर जिस पर्सन की अपॉइंट की जाती है तो उस पर्सन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
कि वो फर्म की संपत्ति के मूल्य को अधिक करे, उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में FM का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वह उसकी संपत्ति के मूल्य को बढ़ाए रखे, उसकी नेट वर्थ की जो वैल्यू है फर्म की, एटलीस्ट उसको कंटिन्यूस इंक्रीज करे। तो उसको ऐसे काम करने चाहिए किसी भी फर्म में FM को, जिससे कि संपत्ति का मूल्य बढ़े। अब उसके पास वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि मैं किस प्रकार के काम का सिलेक्शन करूं। एक FM को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं फर्म के, तो उसको उसी काम को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो। तो उन वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में से एक ऐसा बेस्ट अल्टरनेट चूज करना चाहिए जिससे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि FM को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे फर्म का मूल्य बढ़े। फर्म का मूल्य बढ़ेगा इसका मतलब फर्म की नेट वर्थ जो है वो इंक्रीज हो, शुद्ध मूल्य बढ़े। और उसके पास अगर अनेक कार्य, अनेक विकल्प हो उसके पास करने के लिए, तो उसमें से वो ऐसे विकल्प का चयन करे जिससे कि संपत्ति का मूल्य अधिकतम हो, उसे उसी विकल्प को चूज करना चाहिए। अब यहाँ पर निकाला है कि फर्म का नेट जो प्रेजेंट वैल्यू है, शुद्ध वर्तमान मूल्य किस तरह निकाला जाए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया है कि किसी भी फर्म का शुद्ध वर्तमान मूल्य निकालने का तरीका है कि उसकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, उसका कुल जो वर्तमान मूल्य है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया जाए, प्रारंभिक जो विनियोग किया गया था उसको घटा दिया जाए। तो कोई भी फर्म अपना शुद्ध वर्तमान मूल्य किस तरीके से निकालेगी, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपिटल का उसने प्रारंभ में जो इन्वेस्टमेंट किया था, विनियोग किया गया था, उसको कुल वर्तमान मूल्य में से अगर हम घटा देते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फर्म की निकल करके आ जाती है। अब ये जो थ्योरी है वो निगमित उपक्रमों के लिए श्रेष्ठ है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की कंपनीज है उसके लिए ये जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उन कॉर्पोरेट सेक्टर्स की कंपनीज को शेयर इश्यू कर करके अपनी कैपिटल को कलेक्ट करना पड़ता है। तो उनकी जो फर्म की वैल्यू है, इट इज डायरेक्ट लिंक फ्रॉम द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो उन संस्थाओं, उन कंपनियों की जो फर्म का नेट वर्थ है, नेट वेल्थ है, उसकी वैल्यू जो है वो शेयर की वैल्यू से बिल्कुल लिंक होती है। तो निजी उपक्रमों के लिए ये थ्योरी बिल्कुल श्रेष्ठ है, जो अंशों का निर्गमन कर करके पूंजी प्राप्त करती है, क्योंकि अंश का बाजार मूल्य कंपनी की संपत्ति के मूल्य को व्यक्त करता है। तो जो के उसके कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्लेयर करती है, या वो एक्सप्लेन करती है कंपनी की नेटवर्थ की वैल्यू को। अंशों का बाजार मूल्य जो है वो कंपनी के लाभ की मात्रा के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट, कि लाभों की मात्रा पर निर्भर होगा। अगर किसी फर्म के लाभ अधिकतर होते हैं तो उसके शेयर का मार्केट प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसके साथ साथ ऐसा तो डायरेक्ट लिंक है कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि दो प्रकार की कंपनी है, दोनों को 5-5 हजार करोड़ या 50-50 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या दोनों के जो 100 रुपए, 100 रुपए के जो उन्होंने शेयर इशू किए गए थे, इन दोनों के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या इक्वल होगी, मार्केट प्राइस क्या इक्वल होगा? नो, इट इज डिपेंड अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। इन दोनों कंपनियों की डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड कर रही है कि ये कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और ये कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जो कंपनी लाभ अधिक दे रही है, लाभांश अधिक दे रही है, उसके शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो अधिक होगी, और जो लाभांश कम दे रही है उसके शेयर की मार्केट प्राइस डाउन होगी। तो शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो समान लाभ होते हुए भी दोनों कंपनियों की अलग अलग है। जो कंपनी अच्छी डिविडेंड पॉलिसी दे रही है, अच्छा, जिसकी डिविडेंड पॉलिसी बेटर है, जो अच्छा डिविडेंड इश्यू कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एटलीस्ट उसके शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और जो कंपनी दोनों को लाभ समान होते हुए भी ये लाभों का कम वितरण कर रही है, तो इसके शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, तो डाउनफॉल होगी। तो अंशों का बाजार मूल्य कंपनी की लाभों की मात्रा के साथ साथ, कंपनी के लाभों की मात्रा के साथ साथ भावी लाभ कमाने की क्षमता, कि रियल में, फ्यूचर में किस कंपनी की कैपेसिटी जो है वो मोर अर्निंग की है, कि कौन सी फर्म की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा अच्छी है। सपोज कीजिए आज तो दोनों ने 50-50 हजार रुपए कमा लिए, ए और बी ने, बट इन फ्यूचर इसकी जो क्षमता है
वो 75,000 कमाने की और इसकी वापस 50 की 50 है, तो अंशों का मूल्य जो होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी के भावी लाभों के अर्जन की क्षमता, कि इन फ्यूचर कंपनी कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न करने में कैपेबल हो सकती है। उसके बाद इनकी डिविडेंड पॉलिसी, कि इनकी लाभांश की नीति किस प्रकार की है, कौन लिबरल दे रही है और कौन स्ट्रिक्ट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इनकी लाभांश की नीति किस प्रकार की है। उदार लाभांश नीति वाले शेयर का मूल्य बढ़ेगा और कठोर लाभांश नीति वाले शेयर का मूल्य गिरेगा, तो इनकी डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद है संपत्तियों की तरलता, कि उसकी एसेट्स में लिक्विडिटी कितनी है, कितना कैश होल्डिंग की टेंडेंसी है, कितनी रैपिड कन्वर्टेबिलिटी है कैश में, तो संपत्तियों की तरलता की स्थिति कितनी है, कि फर्म कितना मैनेज करके चलती है। उसके बाद कंपनी की शोधन क्षमता, रिडम्पशन कैपेबिलिटी कितनी है, जिसकी शोधन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसके अंशों का बाजार मूल्य उतना ही अधिक होगा, और जिसके अंशों की शोधन क्षमता कम होगी उसके अंशों का बाजार मूल्य उतना ही कम होगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज डिपेंड अपॉन वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया कि डिविडेंड पॉलिसी पर है, आपकी फ्यूचर में अर्निंग कैपेबिलिटी पर है, आपकी एसेट्स की लिक्विडिटी पर है, और उसके बाद है आपकी रिडम्पशन कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो अगर किसी कंपनी का लाभ ज़्यादा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा लाभ दे रही है, तो शेयर का मार्केट प्राइस डाउन जाएगा, और अगर कोई कम लाभ दे रही है तो उसके शेयर का मार्केट प्राइस डाउन जाएगा। अब जिस कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस अधिक हुआ वहाँ क्या होगा, शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो हाई होगी, बुक वैल्यू कम होगी, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। और जिस कंपनी ने लोअर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसके शेयर की बुक वैल्यू हाई है बट मार्केट वैल्यू लोअर है, तो नेट वर्थ में डाउनफॉल आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि लाभ समान होने पर भी हो सकता है शेयर के मार्केट प्राइस अलग अलग हो, इसलिए कंपनी की वर्थ में, कंपनी की संपत्ति के मूल्य में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये है आपकी सेकंड थ्योरी जो आपको ये बता रही है कि रियल में एफएम का जो मेन टारगेट होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, संपत्ति का वर्तमान मूल्य बढ़ाना, कि नेट जो प्रेजेंट वैल्यू है एटलीस्ट वो हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। इन सारे बहुत सारे डिविडेंड पॉलिसी को इसने इसमें इंक्लूड किया, तो बहुत सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हुए एक बेस्ट थ्योरी जो है वो दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि संपदा को अधिकतमीकरण का सिद्धांत लाभ के अधिकतमीकरण के सिद्धांत पर श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। तो अब होता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के लाभ क्या है जो आपको इसमें देखने को मिले हैं, कि इस थ्योरी की क्या क्या जो है वो। तो सबसे पहला है स्पष्ट धारणा, कि ये जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट है, स्पष्ट धारणा है ये थ्योरी, आपको क्लियर बता रही है कि एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, सबसे पहले आपके लाभ ज्यादा हो, आपके शेयर का मार्केट प्राइस अच्छा हो, आपकी डिविडेंड पॉलिसी हो, तो ये सारी बातों को आपको क्लियर बता रही है कि किसी भी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सी बातों को स्पष्ट कर रही है और हर बात को बिल्कुल क्लियर आपको एक्सप्लेन कर करके बताई है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसका होना चाहिए, एसेट्स की होनी चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई होनी चाहिए, शेयर का प्राइस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद है मुद्रा के सममूल्य पर विचार, इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड किया गया है अपनी इस थ्योरी में, क्योंकि ये किसको ले रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को ले रहा है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अपने आप में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। इसमें जो कल मुझे जो 5,000 रुपये प्राप्त होंगे, परसों जो मुझे 5,000 रुपये प्राप्त होंगे, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, एटलीस्ट ये वो मुझे इवेल्युएट कर करके बता देते हैं। तो ये थ्योरी जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड कर रही है, कि रियल में मनी की टाइम वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू अधिक होगी तो नेटवर्थ इंक्रीज होगा, और जिसकी वैल्यू लोअर होगी वही हमारा नेटवर्थ जो है वो हो जाएगा। उसके बाद सार्वभौमिक स्वीकृति, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, कि इस थ्योरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त की है, अधिकांश देशों ने एफएम के मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके अनुसार रियल में एफएम का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो फर्म की वेल्थ को हाई करे। तो ये भी इसकी एक मेरिट है कि इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है वो मिली हुई है। उसके बाद है प्रबंध को सुदृढ़ लाभांश नीति अपनाने पर जोर, ये थ्योरी जो है वो मैनेजमेंट पर
इतना प्रेशर डालती है कि वो एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करे, एक बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट करे, क्योंकि कंपनी में जो कैपिटल लगी है वो शेयर होल्डर्स की है, और जब तक हम शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड नहीं देंगे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, और सेकेंड इशू में आपको प्रॉब्लम फेस कर सकती है, तो आप कैपिटल प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये इस थ्योरी की मेरिट है कि ये जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसको इस बात पर सहमति दिला देता है कि उनको अगर फर्म की नेटवर्थ को अधिकतम करना है तो एटलीस्ट उनको ये थ्योरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, डिविडेंड पॉलिसी बेटर अच्छी लेनी पड़ेगी, और अच्छी रेट से डिविडेंड जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद है जोखिम तत्व को विनियोग निर्णयों में आवश्यक महत्व, इसलिए रिस्क एलिमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेते हैं तो रिस्क फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, बट अगर अनसर्टेनिटी हो, ज्यादा लाभ मिल रहा हो, तो उसको अडॉप्ट मत करो। ये क्लियर बता रही है कि अनसर्टेनिटी हो और अधिक लाभ हो तो उसको मत लो, क्योंकि ऐसे रिस्क को लेना फर्म की एसेट्स को कभी भी जो है वैल्यू को वो हाई नहीं कर सकता। तो इस सिद्धांत की अच्छाई ये भी है कि ये जो रिस्क एलिमेंट है, रिस्क फैक्टर है, उसको क्लियर बता रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी फर्म के एक्ट मैनेजर को, मैनेजमेंट को लाभ को अधिकतम करना है तो एटलीस्ट उसको कौन कौन से कामों को करना होगा। लाभ को अधिकतम करने के लिए किसी भी फर्म के एफएम को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऊंचे स्तर की जो जोखिम है, एटलीस्ट उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाई रिस्क जो भी जोखिम किसी भी बिजनेस में अवेलेबल है, एटलीस्ट उस जोखिम को बियर अप की कैपेसिटी उसमें जनरेट करनी पड़ेगी, सहन करने की क्षमता करनी पड़ेगी, या तो या उस जोखिम को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है उसकी भी कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये थ्योरी बता रही है कि एक तो रिस्क एलिमेंट में ही प्रॉफिट होता है, बट हमें या तो रिस्क बियरिंग टेंडेंसी जनरेट करनी है, या फिर रिस्क को किस स्टाइल से अवॉइड किया जा सके उसकी जो है कैपेसिटी वो जनरेट करनी है, तो ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होने पर हम अच्छा जो है वो डिविडेंड दे पाएंगे, तो वेल्थ अपने आप जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। दूसरी कह रहा है कि ये लागत में कमी पर ध्यान देते हैं, कॉस्ट रिडक्शंस पर जो है इनकी वो कंसिडरेशन है, कि किसी भी फर्म को अगर अपने लाभों को बढ़ाना है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस आती है एटलीस्ट उसको उसको रिड्यूस करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, सुपरविजन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, और जो हमारे उत्पाद की जो लागतें आ रही है, हमारे उत्पाद की लागतों को हमें कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी तो अपने आप ही हमारे लाभ जो है वो अधिक होंगे, और लाभ अधिक होंगे तो हम अधिक देंगे और संपत्ति का मूल्य अधिक हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लाभांश का भुगतान एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अगर हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो डिविडेंड का पेमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में डिविडेंड स्लो रेट से हो, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो, और फिर थोड़ा इंक्रीज हो, तो जब कंपनी की लाइफ लॉन्ग हो जाती है तब डिविडेंड का ग्राफ हाई जाना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर डिविडेंड की रेट लो होनी चाहिए, बट डिविडेंड का पेमेंट होना कंपलसरी है। आप थोड़ा ही दो पर लाभांश दो जरूर। तो ये लाभांश भुगतान पर भी जो है वो ध्यान देती है कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। उसके बाद विकास व वृद्धि की प्राप्ति की, अब आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है और फिर भी आपकी फर्म ग्रोथ नहीं कर रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो भी आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। आपको अपनी ग्रोथ रेट को, डेवलपमेंट की रेट को, उसको भी इंक्रीज करना होगा। जब हमारी डेवलपमेंट अपने आप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, हमारी फर्म ग्रोथ करने लगेगी, तो प्रॉफिट अपने आप जनरेट करने की कैपेसिटी अधिक हो सकती है, और फिर वेल्थ अपने आप मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो डेवलपमेंट पर भी फर्म के एफएम को कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी चाहिए। उसके बाद है कि हमारे अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखना, कि जो भी हमारे शेयर का प्राइस है एटलीस्ट उसे हमें मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी लानी चाहिए, उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा हो एटलीस्ट उस फ्लक्चुएशन को हमें कंट्रोल कर करके रखना चाहिए। तो दिस इज द थ्योरी, लास्ट थ्योरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच समझाई है अभी तक, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इन फ्यूचर मैं आपको फंक्शन ऑफ एफएम जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, वित्त प्रबंध के कार्य या फिर वित्त के कार्य।